क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब कोई टेस्ट लिखते हैं तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है फ्रीज हो जाता है आपके सोचने की शक्ति चली जाती है आपको मन करता है पेपर में से बीच में ही उठ के मैं बाहर चले जाऊं या फिर सर मुझसे अब प्रिपरेशन नहीं होगा आई वॉन्ट टू गिव अप अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है आप ट्वेल्थ में है ड्रॉपर है एक एक शब्द को सुनिएगा काफी रिलेटेबल और जेन्युन टॉपिक आपके लिए होने वाला है सो so, हेलो बच्चा लोग वेलकम बैक टू द चैनल और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं आपको मैं ये भी बताऊंगा जो कोई भी एजुकेटर और टीचर आपको शायद नहीं बताने वाला है तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और सर ये प्रॉब्लम के ऊपर आज आप क्यों डिस्कशन करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स दो दिन पहले मेरी एक ड्रॉपर से बातचीत होती है और उसके साथ जो वार्तालाप हुआ उससे कुछ कंक्लूजन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए थे जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है वो ड्रॉपर है यानी कि जब वो ट्वेल्थ में था तो उसके साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा क्या तो हो रहा है या फिर हो सकता है सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि सर जब हम लोग टेस्ट लिखते हैं हैं टाइम बाउंड मैनर में हम हम प्रैक्टिस कर रहे होते तो प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाता है सोच नहीं पाते हैं कि सवाल में आगे करना क्या है ऐसा नहीं कि आप उस सवाल को सॉल्व कर नहीं सकते हैं अगर मैं वहां से टाइम फैक्टर को हटा दूं तो आप अपने कंफर्ट जोन में उस सवाल को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे लेकिन एग्जाम के प्रेशर में आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा क्यों होता है राइट right? इसको समझने से पहले जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि जो आपको कोई टीचर नहीं बताता है एजुकेटर नहीं बताता है वो है एजुकेटर की खुद की अपनी कहानी तो यहां पे किसी और का एग्जाम्पल मैं क्यों लू मैं आपके सामने खुद का ही एग्जाम्पल लेता हूं आप सभी को पता होगा कि तकरीबन 2017-18 के बीच में आई स्टार्टेड यू नो डूइंग दिस फिजिक्स टीचिंग एज माई प्रोफेशन राइट तो सबसे पहले जब मैं इसको एक ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया तो वहां पे हर टीचर के साथ ऐसा होता है जब एक टीचर को दो चीज आना बहुत जरूरी है एक तो आपका कॉन्सेप्ट और एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक बच्चे को भी आना जरूरी है राइट लेकिन एक टीचर के साथ क्या होता है जब वो एकदम नया नया होता है, फ्रेश होता है है फ्रेश जब मैं भी 2018 में एकदम नया था इस लाइन में जब सामने से कोई बच्चा अचानक से एक रैंडम किताब लेके आता है डाउट पूछने के लिए एक रैंडम कोई भी किताब चाहे वो आपका एच हो वी हो कोई भी किताब जब वो लेके आता है अचानक से किसी अपने कोचिंग के मॉड्यूल के किताब को लेके आ जाता है डाउट पूछने के लिए उस वक्त एक फ्रेशर टीचर का भी है ना वही हालत होता है वही नर्वसनेस होता है जो आपका होता होगा किसी टेस्ट पेपर को लिखते वक्त उस समय जब पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ था जब एक सामने से बच्ची आती है एचसी वर्मा का वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर का वो एक सवाल निकाल के मेरे से पूछती है ऐसा नहीं था कि वो सवाल मुझे आ, मुझे आएगा नहीं या फिर वो सवाल मुझे आता नहीं होगा उसका कांसेप्ट मुझे आता नहीं होगा लेकिन उस समय एक 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 नयापन होता है एक प्रेशर होता है कि मुझे यह सवाल उसे समझाना है नहीं समझा पाया और यह सारी बातें दिमाग में चलती है एंड ट्राई टू रिलेट यह आपके साथ भी हो रहा है आपके रेस्पेक्टिव में दिमाग में ना बैकेंड में एक बात घूमती रहती है कि अगर ये चीज़ ये सवाल मैं उसे नहीं समझा पाया सो देर इज अ स्कोप ऑफ बींग जज्ड तो कहीं ना कहीं वो ब्लैंकनेस उस समय भी महसूस होती है और बहुत से टीचर के साथ ऐसा होता है शुरुआत शुरुआत में तो सर ऐसा क्या होता है कि विद टाइम आप लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आज के डेट में जब कोई सामने से बच्चा आता है सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भैया तुमको जो किताब लेके आना तुम किताब लेके आओ हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे राइट right? तो so ये कॉन्फिडेंस कहां से आया सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस आता है विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस दूसरा ये कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा है मुझे पता है कि ये ये रूल्स है ये ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इसी सिनारियों में लग सकता है इस सिनारियों में नहीं लग सकता है वेन यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि तुम जो सवाल दोगे मैं उसमें अपना बेस्ट कॉन्सेप्ट लगा दूंगा अब वो सवाल सॉल्व हो या ना हो वो बात की बात है तो ये आपके पास भी कैसे आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट सही हो और उसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे अब इसके अलावा प्रैक्टिस की जहां तक बात आती है बहुत से बच्चे जब टेस्ट लिखते हैं या फिर घरों में जब वो अपने असाइनमेंट को शीट्स को राइट right, डी को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको बच्चा एक समय सीमा वहां पे बांधना होगा आपको उस चीज़ की रेगुलर बेसिस पे आदत डालनी होगी जब आप कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो आप उसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करें अदरवाइज आप उसे कंफर्ट जोन में रिलैक्स वे में सॉल्व कर रहे हैं रिलैक्स वे में तो आप अपने कोचिंग्स में आप अपने यू नो लेक्चर जब आप देख रहे हो गए वहाँ जो सॉल्व एग्जाम्पल है आप उसको रिलैक्स वे में समझिए लेकिन जब आप घरों पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं आपको एक टाइम बाउंड मैनर में उसे सॉल्व करना होगा यू हैव टू सेट अ टाइम कि भैया अच्छा तीस सवाल है तो मैं उसको दो घंटे या डेढ़ घंटे के आसपास देने वाला हूं या देने वाली हूं तब जाके आपका दिमाग को आप ट्रेन कर पाएंगे कि टाइम के प्रेशर में कैसे आपको सोचना है और ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया ये चमत्कार आपके साथ एक हफ्ते में हो जाएगा यू हैव टू बिल्ड दिस पेशेंटली आपको करना होगा और अपने जीवन से ना अच्छा बच्चा एक बात बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो कि यस सर वी आर गोइंग टू डू दिस रिमूव दिस डीमोटिवेशन वर्ड फ्रॉम योर लाइफ राइट right? कम से कम इस छह महीने एक साल जो भी आपका जेई का तैयारी है इस डीमोटिवेशन वर्ड को अपने जीवन से निकाल के फेंक दीजिए आपके सामने एक ही चीज है कि भैया मुझे समझना है सीखना है उसको अप्लाई करना है और यही प्रोसेस को रिपीट मोड पे आपको चलाना है देखिए किस तरीके से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो समय के साथ बिल्ड हो जाएगा आपका जो टेस्ट टेकिंग एबिलिटी है वो भी बिल्डअप हो जाएगा एंड मेक श्योर कि आप कम से कम दस दिन में एक चैप्टर टेस्ट तो दे रहे हो मैं इस समय की बात कर रहा हूं जब एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा 2024 जनवरी अटेम्प्ट का तब आपको ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी अपनी टेस्ट की बढ़ानी पड़ेगी लेकिन इस समय कम से कम कोई भी चैप्टर टेस्ट आप दे रहे हो या फिर आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो 10 दिन में आप कम से कम एक एक टेस्ट तो दे रहे हैं ताकि आपका जो वो एनवायरमेंट है टेस्ट टेकिंग का वो भी आपका फ्लो में बना रहे अचानक से आप पे प्रेशर नहीं आए टेस्ट टेकिंग एनवायरमेंट का आई होप ये आपको हेल्प करेगा एंड uh, मिलते रहेंगे कुछ और आपके मन में इच्छा हो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां पे हम लोग आपके लिए चैप्टर वाइज पी अपलोड शेयर करते रहते हैं जिससे बच्चे टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर रहे समय टेक केयर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बाय